हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, इससे आपको न्यू ताजा अपडेट मिलते रहेंगे और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए वेबसाइट पे विजिट करें। मैं आकाश आज आपके लिए लेके आया हूँ रॉयनेट एक्सप्रेसो प्लस। आज हम रॉयनेट एक्सप्रेसो प्लस लॉन्च कर रहे हैं। इसका लॉन्च करने की बहुत सारी वजह है, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। रॉयनेट एक्सप्रेसो लॉन्च क्यों कर रहे हैं, मैं उसके लिए आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जिस तरह मार्केट में एपीएस कमीशन अलग अलग कंपनियां दे रही हैं, उससे सबसे ज्यादा कमीशन हम देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह मार्केट में कंपनियां रिटेलर को सपोर्ट नहीं देती है, उन्हें ये लगता है कि एक रिटेलर बंद हो जाएगा तो हमारा कुछ भी नुकसान नहीं है। मैं यहां बताना चाहता हूं कि एक एक ईंट से ही मकान बनते हैं और एक रुपए से ही लाखों रुपए का सफर तय होता है और एक लोगों से ही एक हिंदुस्तान बनता है। तो मैं यहां बताना चाहता हूं कि जितनी भी कंपनियां हैं जो ईपीएस रिटेलर को सीएसपी को यही समझती है कि वो बंद कर दे चले जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एपीएस एक्सप्रेसो प्लस लॉन्च करने का यही मकसद है हमारा कि हर एक रिटेलर जो परेशान हो जाता है, वो सोचता है कि सभी कंपनियां ऐसी हैं और वो काम बंद कर देता है और उसके साथ काफी सारे धोखा भी होते हैं, तो उस सब को देखते हुए हम यहाँ पे रॉयनेट एक्सप्रेसो प्लस लॉन्च कर रहे हैं, जिससे उसको काफी अच्छा कमीशन भी मिलेगा और वो रिटेलर यहाँ आने के बाद वो रॉयनेट के साथ ही काम करेगा, उसको जितनी भी प्रॉब्लम होगी उसका समाधान आसू सर्विसेज करेगा। भाइयों, मैं ये बताना चाहता हूं कि अभी तक जितनी भी कंपनियों ने एपीएस में कमीशन दिया है, मनी ट्रांसफर के जो चार्जेस हैं, सबसे कम चार्जेस हम देंगे। हमारा मकसद सिर्फ एक ही है, वन नेशन वन एपीएस, जैसे अभी मोदी जी ने निकाला है वन नेशन वन कार्ड, वन नेशन वन फास्टैग, उसी तरह कई सारी योजनाएं वन नेशन में निकाला। तो मैं भी यहां बताना चाहता हूं कि पूरे भारत में हमारे जितने भी सीएसपी अलग अलग कंपनियों में काम कर रहे हैं, उनको अपने साथ जोड़ने का मेरा मकसद है और वन नेशन वन एपीएस के साथ काम करके बेहतर सर्विस और बेहतर सुविधाएं और बेहतर कमीशन देने का मैं वादा करता हूं आपसे। मेरी इस आवाज को सुनकर आपको कुछ याद आया होगा, 2014 में मोदी जी ने इसी तरह अपनी स्पीच दी थी और लोगों को यकीन दिलाया था कि वो कुछ कर दिखाएंगे। और आज हम सब जानते हैं कि मोदी जी ने आज सारा डिजिटल इंडिया और जितने भी वादे किए थे, मैक्सिमम वादे तो पूरे कर दिए हैं, कुछ बचे हुए हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि उस 2014 में जिस तरह लहर चली, जिस तरह लोगों ने उन पर यकीन दिलाया, मैं भी ये कहना चाहता हूं कि आप भरोसा करके देखिए और काम करके देखिए, आपको यकीन हो जाएगा और हम आपको यकीन दिलाएंगे और इससे भी बेहतर चीजें करके दिखाएंगे। है सस्ता, आपको भी ये पता होगा कि चीजें जितनी सस्ती होती है उतनी खराब होती है, तो एक ब्रांड होना चाहिए, ब्रांड के साथ आप लें, ब्रांड के साथ काम करें तो आप आगे बढ़ेंगे। यह रॉयनेट एक्सप्रेसो प्लस का मैं अमाउंट डिक्लेयर करने जा रहा हूं, अमाउंट बताने जा रहा हूं। रॉयनेट एक्सप्रेसो प्लस आपको 2000 रुपए में मिलेगी, यह सिर्फ रिटेलर आईडी ही मिलेगी और ये आपको आसू सर्विस के साथ ही मिलेगा। तो 2000 रुपए रहेगा रिटेलर आईडी। और मैं इसके कमीशन के बारे में आपसे बताना चाहता हूं कि यहां आपको मिलने वाला है 11 रुपए कमीशन, 11 रुपए कमीशन ईपीएस में सबसे हाईएस्ट कमीशन 11 रुपए। आप 3000 के बाद
4,000-5,000 के बाद जितने भी ट्रांजेक्शन करेंगे 11 रुपए का आपको स्लैब मिलेगा। ये एटीएम माइक्रो एटीएम पे भी सेम कमीशन रहेगा और मनी ट्रांसफर पे डीएमटी में है आपका 3 रुपए चार्ज, 1,000 पे 3 रुपए चार्ज, 1,500 पे 11.5 रुपए चार्ज। आपको बता दूं मैं कि ये सबसे कम चार्जेस रहेगा, इससे हमको कोई लुभावने वादे और लोगों को हमारे साथ जोड़ने का मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग काम करना चाहते हैं, जो लोग मेहनत करना चाहते हैं और जो आगे बढ़ना चाहते हैं वही हमारे साथ काम करें, जानकारी के कॉल ना करें। और आइए हम अब देखते हैं कि एपीएस और डीएमटी और माइक्रो एटीएम में क्या स्लैब बनाए कमीशन का। तो आइए चलिए हम कमीशन की जानकारी देते हैं आपको। साथ जुड़ो, आगे बढ़ो। एपीएस कमीशन जोनेट एक्सप्रेसो प्लस का 200 से 999 तक 2 रुपए, 1,000 से 1999 तक 3 रुपए, 2,000 से 2999 तक 6 रुपए, 3,000 से 3,999 तक 10 रुपए 50 पैसे, 4,000 से 4,999 तक 7.5 रुपए और 5,000 से कोई भी स्लैब करेंगे 11 रुपए कमीशन मिलेगा। सेम कमीशन एटीएम पे भी है। लोएस्ट डीएमटी चार्जेस, सबसे कम चार्जेस डीएमटी की 100 रुपए से 1,000 तक 3 रुपए, उसका कोई भी स्लैब हो 1,000 के ऊपर जब भी जाएगा वो 30 पैसा लगेगा 100 रुपए का, मतलब 1,000 के ऊपर जो भी 1,000 रुपए जुड़ेंगे 500 रुपए जुड़ेगा तो 1.5 रुपए प्लस होगा और 1,000 जुड़ेगा तो 3 रुपए प्लस होगा, जैसे 2,000 का हुआ 6 रुपए। तो इसी तरह ये स्लैब बनाए गए हैं परसेंटेज वाइज। ये पहली कंपनी है जो परसेंटेज स्लैब के वाइज कमीशन चार्जेस लगाती है, उसमें कोई कमीशन नहीं मिलेगा आपको, ये प्योर चार्जेस कटेंगे आपके और इससे कम डीएमटी चार्जेस आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इसी तरह हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा।